हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक है यूरेका वायर। ठीक है, तो यूरेका वायर एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। ठीक है, यूरेका वायर जो है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये आपका 60% तांबा और 40% निकल से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु होता है। इसका प्रयोग रजिस्टर, प्रतिरोधक तथा रियल एस्टेट बनाने में किया जाता है। देखिए, रजिस्टर का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का उपकरण जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, बढ़ाने के लिए प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, रजिस्टर कहा जाता है प्रतिरोधक। ये एक प्रकार का रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट ये भी एक प्रकार का रजिस्टर है। इसमें क्या किया जाता है, ये एक जो रियल एस्टेट होता है इसमें एक पोर्सलिन मतलब कि चीनी मिट्टी या बैकेलाइट होता है जो एक प्रकार का चालक होता है। ये मान लीजिए पोर्सलिन चीनी मिट्टी या बैकेलाइट का पाइप जैसा है, सिलेंडर है। ठीक है, गोल पाइप है। इसके ऊपर क्या किया जाता है कि ये जो आपका यूरेका वायर है ये लपेट दिया जाएगा, वाइंडिंग कर दिया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ये इसका दूसरा छोर हो गया, एक ये छोर और एक ये छोर। तो ये एक निश्चित मान का आपका रजिस्टर हो गया। जैसे मान लीजिए कि 100 किलो ओम हो गया, 1 मेगा ओम हो गया, जितना का हो। ठीक है, ये वायर के रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है कितना ओम का है। तो ये अलग अलग मान का ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। अब यही क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक चल, जैसे कि एक चल भुजा बना दिया जाता है इसके ऊपर, ये हो गया। और एक इस पर घर्षण करने के लिए एक ऐसे रहता है, और फिर समझिए कि यहाँ से एक आपका वायर हो गया। ठीक है, तो ये रियल एस्टेट हो जाता है और ये वेरिएबल प्रकार का हो जाएगा। वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तित। तो ये परिवर्तित मान का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या करना है कि आपको मान लीजिए कि यहाँ से हमने प्लस सप्लाई दिया और यहाँ से हमने प्लस सप्लाई ले लिया यहाँ से। तो अब इसमें ये जितना इधर दूरी आएगा, जितना इधर वायर का संख्या बढ़ते जाएगा, वाइंडिंग की संख्या, तो इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 1 किलो ओम का है रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर हम करते हैं, ये जो भुजा है, ये जो घर्षण करने वाला है, अगर ये यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। जैसे जैसे इधर कम करेंगे, यहाँ कर देंगे तो 0 भी हो सकता है रेजिस्टेंस का मान। ठीक है, तो ये एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग रेजिस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये यूरेका वायर का हम लोग प्रयोग रजिस्टर या प्रतिरोधक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये 60% तांबा और 40% निकल से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मिश्र धातु है। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नाइक्रोम तार होता है इसका प्रयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम जो होता है नाइक्रोम का वायर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में। जैसे आपका हीटर हो गया, हीटर जो होता है जिस पर खाना पकाया जाता है कि कोई भी चीज़ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो हीटर हो जाता है। तो हीटर का जो वायर होता है, हीटिंग एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, ये नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। या आप मान लीजिए कि सोल्डरिंग आयरन हो गया, उसमें भी हीटिंग एलिमेंट होता है। जो तार होता है उसमें, वो भी नाइक्रोम का होता है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन ले लीजिए, उसमें भी आपका नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ भी हीटिंग ये ऊष्मा उत्पन्न करने वाला जो भी उपकरण होगा उसमें नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका 80% तांबा, 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है।
80% निकेल और 20% क्रोमियम। ठीक है, तो ये एक उच्च रेजिस्टेंस उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है या मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम जो है ये एक उच्च रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, तभी तो मान लीजिए कि ये आपका उच्च रेजिस्टेंस करने वाला तार है। इससे हम जब भी सप्लाई देते हैं, इससे सप्लाई जब दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इससे होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। तो जब ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होता है तो ये वायर जो है ये गर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग, नाइक्रोम के तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में। जैसे आपका हीटर हो गया, ये सोल्डरिंग आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, ये जहाँ भी आपको गर्मी उत्पन्न करना है, ऊष्मा उत्पन्न करना है, वहाँ पर हम कौन सा वायर उपयोग करेंगे, नाइक्रोम तार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, नाइक्रोम वायर जो है यह एक मिश्र धातु होता है जो 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरण में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट का मतलब होता है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, तापमान उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो जाता है, फिर से इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो उपकरण है इसमें हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम के वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो वायर होता है कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये सब हमने पढ़ा है। अब आगे हम लोग वायर का जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन कितने प्रकार का ज्वाइंट होता है, कहाँ कहाँ ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।